Hey guys, this is Faisal and welcome to my kitchen. Today we are going to make milk cake, which is very easy to make and very tasty to eat. तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए शक्कर, फिटकरी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, घी और 1.5 लीटर दूध। गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें दूध ऐड कर लेंगे। इसमें पहला उबाल आने तक अच्छे से स्पून से स्टर करते रहेंगे। पहले उबाल के लिए इसे 5 मिनट लगेंगे। इसे अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखिए कैसे मलाई भी आ चुकी है इस पर। अब हम दूसरा उबाल ले लेंगे और इसी तरह से इसे स्टर करते रहेंगे। दूध की क्वांटिटी को हाफ कर लेंगे, इसमें काफ़ी समय लगेगा। अब हम इसमें पिंच ऑफ एलम ऐड कर लेंगे दूध को फाड़ने के लिए और इसे वापस से स्टर करते रहेंगे। धीरे धीरे दूध फट जाएगा, ये देखिए दूध फट चुका है। इसे इसी तरह से स्टर करते रहे। कुछ हद तक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। बाकी बची हुई शुगर इसे सूखने के बाद ऐड करेंगे। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। कुछ देर और स्टर करने के बाद इसका पानी सूख गया है। अब हम इसमें बची हुई चीनी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर और स्टर कर ले, बस हमारा मिल्क केक बनने ही वाला है। इसका मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ घी और इसे पैन की हीट में मेल्ट कर लेंगे। कुछ देर और स्टर करने के बाद अब ये रेडी है हमारा मिल्क केक। अब हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे, कोई भी कंटेनर चलेगा, राउंड, स्क्वायर, एज यू विश, और इसे लेवल कर लेंगे और इसके बाद किचन टॉवल से इसे कवर कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे 1 आवर के लिए साइड में रख लेंगे। आफ्टर 1 आवर हमारा मिल्क केक रेडी है। अब हम इसे साइड से कट कर कंटेनर से निकाल लेंगे। अब आप इसे जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हो। मैंने इसे स्क्वायर में कट किया हूँ और इसे गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट यूज़ किया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।